नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तर आप देख रहे हैं डियर डॉग। तो फ्लिपकार्ट में स्टार्ट हो गया है द बिग सेविंग डे सेल है, जहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहा है। तो समर के टाइम में मुझे लगता है शॉपिंग करने के लिए एकदम आइडियल टाइम है। एक्चुअली अगर ऑफिशियल सेल देखा जाए ये स्टार्ट होगा कल से, मतलब 4 तारीख से, लेकिन जो लोग फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर है उन लोगों के लिए आज दोपहर को 12 बजे के बाद से सभी सेल्स ओपन हो गया है। सो मैं इस वीडियो में बात करने वाला 35+ बेस्ट बजट डील्स जो मुझे लगता है बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ आया है, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। ये अंडर 30,000 रुपीज़ में भी आ रहा है विद द डिस्काउंट्स एंड ऑल दैट, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं फिर लुकिंग फॉर ए गुड क्वालिटी कैमरा स्मार्टफोन। नो डाउट, मैं भी सैमसंग इस्तेमाल करता हूँ फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। देयर पोर्ट्रेट शॉट वीडियोग्राफी इज वेरी गुड, नो डाउट अबाउट दैट, यू कैन चेक दिस आउट। एप्पल आईफोन 13 के ऊपर अभी डिस्काउंट है, तो अंडर 55,000 में आपको मिल जाएगा आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स एंड ऑल दैट। हालांकि एप्पल आईफोन 14 के ऊपर भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है ऑन अमेज़न, बट एक्सचेंज वैल्यू के बाद वो शायद अंडर 40,000 में आ रहा है, बट एक्सचेंज वैल्यू के बाद आइदर दैट प्राइस तो नॉर्मल वही 70,000 के आसपास है। ये मुझे लगता है मुझे बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है एप्पल आईपैड 9th जनरेशन, जहाँ पर आपको 64 GB है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है, ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैंने भी इस्तेमाल किया इसको एंड इट विल कॉस्ट यू अंडर 25,000 रुपीज़ आफ्टर द डिस्काउंट। तो जनरली 30 में मिल रहा था, अभी यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो इफ़ यू लुकिंग फॉर दिस टैबलेट यू कैन चेक दिस आउट। नेक्स्ट इज दिस ऑल्ड गुड, एक्चुअली ये आई थिंक एक दिन हुआ है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसका मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, इसका वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन वॉच मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी एक बड़ा एमोलेड डिस्प्ले एंड ओवरऑल द टच रिस्पॉन्स ऑफ दिस डिवाइस इज वेरी गुड। तो इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी करूंगा, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, 1799 इसका प्राइस है। नेक्स्ट इज दिस, इफ यू लुकिंग फॉर ए हाई क्वालिटी मेमोरी कार्ड, तो सैमसंग का ईवो प्लस 128 GB ले सकते हैं, 819 इसका प्राइस है। एंड अगर आपको लेना है SSD पोर्टेबल SSD तो सैमसंग सैंडिस का ये वाला ले सकते हैं, 6899 रुपीज़ इसका प्राइस पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको 5000 रुपये से ज़्यादा शॉपिंग करना है तब आपको कार्ड डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली आप लीजिएगा। सैंडिस का 128 GB का प्राइस और भी कम है, 745 रुपीज़ प्राइस है, तो ये भी मुझे लगता है काफ़ी क्रेजी डील। मतलब मुझे याद आ रहा है पहले 64 GB जनरली 650-700 रुपये में मिलता था, अभी डेफिनेटली SSD का मार्केट, मतलब अगर मेमोरी कार्ड का मार्केट देखा जाए काफ़ी लो हो गया, क्योंकि लोग कम खरीद रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में आजकल ज़्यादा मेमोरी मिलता है। तो उसके बाद डे बाय डे मुझे लगता है ये वाला जो पार्ट है ये धीरे धीरे एब्सोल्यूट हो जाएगा, खाली कैमरास के लिए रहेगा, क्या पता फ्यूचर में कैमरा भी इनबिल्ट मेमोरी के साथ आए। तो ये एक चीज़ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, 745 रुपीज़ इसका प्राइस है। नेक्स्ट इज दिस, लेक्सर का मैं पहले भी बताया था, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एक्चुअली। अगर आपको बजट में SSD लेना है तो लेक्सर का आप ले सकते हैं, 120 GB स्टार्टिंग फ्रॉम 799, कोई भी ब्रांड 1250-1300 रुपये से नीचे 120 GB नहीं दे रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। 240 GB का प्राइस है 1499 एंड 480 GB का प्राइस है 2549, मतलब दूसरे ब्रांड से लगभग आधा प्राइस में ये दे रहा है। अगर आपको पोर्टेबल एक हैंड फैन चाहिए तो ये वाला चेकआउट कर सकते हैं, 399 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा रिचार्जेबल बैटरी के साथ। पोर्ट्रॉनिक्स का ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया, जहाँ पर आपको 3 फुल सॉकेट उसके साथ साथ 3 USB पोर्ट्स मिलता है। सो अगर आपको एक्सटेंशन कॉर्ड ढूंढ रहे हैं तो इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए इन्वर्टर LED लाइट्स, तो ये वाला आप चेकआउट कर सकते हैं, जो रिचार्जेबल है, इनबिल्ट बैटरी है एंड ये अंधेरे में काफ़ी हेल्प करता है, मेरे सभी घर में ये लगा हुआ है। एंड ये पैक ऑफ 2 आपको 8.5 वाट मिल जाएगा अराउंड 549 रुपीज़ में, विच इज़ अ वेरी गुड डील। फिलिप्स का भी सेम चीज़ अवेलेबल है, आई थिंक 600-650 रुपये के आसपास है, 50-60 रुपये का डिफरेंस है। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ पर आपको 2 वाट का मिनी टॉर्च लाइट मिलता है एंड ओवरऑल मैंने जो रिव्यू देखा काफ़ी इंप्रेसिव है, 149 रुपीज़ इसका प्राइस है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर दिया है, देखते हैं आने के बाद इसका रिव्यू करेंगे। ये भी कीचेन वाला लाइट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इट्स अ रिचार्जेबल लाइट है, तो आप इसको रख सकते हैं, इमरजेंसी में काम में आ सकता है। ओनली फॉर 155 रुपीज़ प्राइस है, मतलब 155 रुपीज़ ओनली है, ये तो मोबाइल फ्लैश की हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कम्स विद USB टाइप सी पोर्ट। नेक्स्ट इज दिस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए मस्क्यूटो नेट, जी हाँ बरसाती इसके बाद आएगा, मतलब बरसात का मौसम मच्छर ज़्यादा होता है, गर्मी भी कहीं कहीं पर मच्छर ज़्यादा होता है, तो ये वाला फुल फ्लेज में आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई की तरफ से आता है, 549 रुपीज़, विच इज़ ए वेरी गुड प्राइस आई वुड से। ये वाला एक किलर डील भी आ रहा है, इससे पहले एम्ब्रेंड का ट्रिमर सेट इतना कम प्राइस में नहीं आया था, 799 रुपीज़ ऑनली, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इफ यू लुकिंग फॉर ए वेरी हाई क्वालिटी बिग मोनिटर, आप सैमसंग का M5 27 इंच का फुल HD एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मार्ट मोनिटर है, आप इसको ले सकते हैं, अंडर 17,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट के बाद ये और भी आपको सस्ता मिलेगा। एंड ज़ेब्रोन का ये वाला डील किलर डील है, इससे 32 इंच, मतलब काफ़ी बड़ा है,
एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फुल एचडी पैनल मिलता है, 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो इस ये कर्व्ड पैनल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं हाँ ये हल्का सा कर्व्ड पैनल है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। नो डाउट प्राइस मुझे लगता है काफ़ी क्रेजी है, ज़ेप्रॉनिक्स इज ए नोन ब्रांड सो यू कैन ट्रस्ट ऑन देम। MSI का 24 इंच का अगर आपको फुल एचडी बैकलाइट लेना है TUV सर्टिफाइड तो इसका प्राइस पड़ेगा 7637 विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्राइस, डिस्काउंट के बाद ये और भी कम हो जाएगा। प्योरिट का ये वाला आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइक 7 लीटर का आपको टैंक मिलता है एंड उसके साथ साथ ऑल दी लेटेस्ट प्योरिफिकेशन मिलता है। प्राइस आता है अंडर 6,500 रुपीज़ के आसपास। थॉमसन ओ ये वाला सोल्ड आउट हो गया, ये वाला एक ऑसम डील था यार, 24,000 रुपीज़ के नीचे ये मिल रहा था 50 इंच का 4K टीवी, सो ये वाला मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया डील है। 43 इंच भी अवेलेबल है 4K 1799, मतलब और भी ये कम प्राइस में मिलेगा डिस्काउंट के बाद। 50 इंच सोल्ड आउट जैसे मैंने बताया, 55 इंच अंडर 30 में मिल रहा है। आई थिंक ये वाला टीवी मेरे घर में है शायद, मैं शायद ये वाला टीवी, गूगल टीवी है क्या, नहीं एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, इसका जो हायर वेरिएंट है वो शायद मेरे पास है, उसका प्राइस आई थिंक इससे 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा है। बट थॉमसन टीवीज आर रियली गुड, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 15 इंच जो मैंने दिखाया वो जिस सोल्ड आउट, लेकिन वो काफ़ी एक अच्छा ऑफर में था। बट 43 इंच इज ऑल्सो कमिंग एट अ वेरी गुड प्राइस। सैमसंग का क्रिस्टल 4K नहीं आप चेकआउट कर सकते, 43 इंच ऑलमोस्ट 29,000 रुपीज़ के आसपास। जो लोग सैमसंग के फ़ान है डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कुछ शूज़ के बारे में। प्यूमा का ये वाला शू 1104 में मिल रहा है, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया शू है। रीबॉक का 942 में मिल रहा है, तो लोकल शू लेने से आप थोड़ा बहुत ब्रांडेड शू ले सकते हैं अगर आपका बजट 1000 रुपये के आसपास है। रीबॉक का ये वाला कलर भी ले सकते हैं, 942 रुपीज़ इसका प्राइस है। एरोस्टोकेट का ये वाला आप 65 सेंटीमीटर का सूटकेस ले सकते हैं, ट्रॉली 2149 इसका प्राइस पड़ेगा, लेकिन इसका प्राइस मैं देखा था इसका और भी कम आता, आई थिंक 2000 रुपये के आसपास था, तो 100 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। सफारी का ये वाला केबिन सूटकेस मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, कम्स विद 2 डिफरेंट कलर्स, इट विल कॉस्ट यू ओनली 1699 रुपीज़। नेक्स्ट इज दिस पीटर इंग्लैंड का आपको जीन्स मिल जाएगा विच इज़ ए स्किनी जीन्स ओनली फॉर 799 रुपीज़, तो अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। 30, 32, 34, 38 अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। और एकदम आपको बजट में शू लेना है 399 रुपीज़ का ये वाला शू देख सकते हैं, मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़ा काफ़ी बढ़िया रिव्यू है, अलग अलग कलर में अवेलेबल है, तो अगर आपको खर्चा नहीं करना है कैजुअल में जूता लेना तो ये ले सकते हैं। आइदर दैट आप एशियन का भी शूज़ ले सकते हैं, एशियन का जो शूज़ है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। प्रोवो का ये वाला बैकपैक चेकआउट कर सकते हैं, लुकिंग फॉर अ लैपटॉप बैकपैक, दिस इज अ वेरी गुड बैकपैक, यू कैन चेक दिस आउट, 471 रुपीज़ इसका प्राइस है। प्रोवो का ये वाला बैकपैक भी बहुत बढ़िया है, प्रोवो का बैकपैक मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, सो आई कैन रिकमेंड यू। 35 लीटर का बैकपैक है 698 रुपीज़ में। वॉन्ग का ये वाला बैकपैक आपको मिल जाएगा 30 लीटर 359 रुपीज़, बजट के हिसाब से मैं बोलूँगा सही है। नेक्स्ट इज दिस प्रोवो का ये वाला बैकपैक मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, कम्स विद डिफरेंट कलर्स बट द कैपेसिटी इज़ वेरी हाई विच इज़ 48 लीटर, तो 899 रुपीज़ मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है। एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक्चुअली बैकपैक का जो प्राइजेस था, फॉर एन एग्जाम्पल सफारी है, उसके बाद स्काई बैग्स है या फिर दूसरे जो ब्रांड्स हैं, उनका प्राइस बीच में काफ़ी कम हुआ था, मतलब 550-600 रुपये में 32 से 35 लीटर का बैकपैक मिल रहा था, लेकिन उसका प्राइस अभी 700-800 रुपये हो गया, मतलब काफ़ी बढ़ गया है प्राइस, तो इसीलिए वो सब बैग आप लोगों को रेकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसका प्राइस थोड़ा सा बड़ा है। एक साल पहले तक भी कम था, लास्ट बिग बिलियन डे सेल में भी बहुत कम था, 550-600 रुपये में। मैंने अमेरिकन टूरिस्टर का जो बैकपैक खरीदा था 550-600 रुपये में, वो अभी प्राइस है लगभग 850-900 रुपये में, तो उसका प्राइस काफ़ी बड़ा है। ओके, सैमसंग स्मार्ट वॉच अगर लेना चाहते हैं LTE के साथ आपको 13,000 रुपये में मिल जाएगा, विदाउट LTE आई थिंक 12,000 में मिलता है, मतलब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन ये अभी प्राइस थोड़ा सा बड़ा है, ये दोनों वॉच लगभग 10,000 एंड 12,000 रुपये में मिल रहा था। मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, सैमसंग वॉच या फिर जो भी एप्पल वॉच, ये सब वॉच जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर सैमसंग वॉच देखा जाए, एप्पल वॉच मैं ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, बट सैमसंग वॉच मैंने इस्तेमाल किया था। प्रॉब्लम इज दैट एक्चुअली यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज बट यू नीड टू चार्ज दिस डिवाइसेज एवरी अदर डे, तो एक दिन खत्म नहीं हुआ, सारा दिन बैटरी खत्म होगा, फिर कल चार्ज करो, परसों चार्ज करो, फिर तो अगर आप लंबे ट्रिप के लिए निकलते हैं तो ये सब वॉच डेफिनेटली नहीं चलेगा, तो इसके लिए मैंने ये छोड़ दिया। उसके बाद आई थिंक आई चेंज इट टू MS Fit और समथिंग, जहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत 10-15 दिन का बैटरी 10 दिन का एटलीस्ट बैटरी लाइफ मिल रहा था। बट हाँ, इसमें फीचर्स बहुत अच्छा है, बहुत कुछ इनबिल्ट है, तो इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इफ़ यू हैव सैमसंग डिवाइसेस, तो वो इस वॉच से बहुत अच्छे कम्युनिकेट कर सकता है। बट मेरे तरफ से आई वुड नॉट रिकमेंड बिकॉज ऑफ दैट चार्जिंग है, बार बार चार्ज देना बहुत झंझट है। नेक्स्ट, मुझे ये टेबल काफ़ी बढ़िया लगा, एक्चुअली इसे फोल्डेबल टेबल, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इट लुक्स लाइक दिस, तो घर में अगर आपका स्पेस कम है तो आप इस टाइप का टेबल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये वाला स्मार्ट वॉच भी चेकआउट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा, आज ही मैंने इसका रिव्यू ड्रॉप किया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड स्मार्ट वॉच। प्राइस अराउंड 2000 से 2500 रुपये के आसपास
कंटिन्यूअली प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। कम्स विद 1.91 इंच डिस्प्ले। तो गाइस ये था 35 प्लस बजट कैटेगरी डील्स दैट यू कैन बाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ऑल द लिंक्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड शेयर ऑन इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट रमेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम डियर डॉग, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।